मेरा नाम है अभिनव और इस वीडियो को एंड तक देखना। अच्छी लगे तो उसको लाइक और शेयर जरूर करना अपने फ्रेंड के साथ, अपनी फैमिली के साथ। हाउ टू बिकम हैप्पी। अगर किसी इंसान से पूछा जाए कि भाई तू तो इतना सैड रहता है क्यों, तो आपको पता है उसका क्या रिप्लाई होगा? उसका रिप्लाई होगा, यार मेरे पास कोई पर्टिकुलर चीज़ होती या मैं उसे पा लेता तो आज मैं ऐसे सैड नहीं होता। सो बेसिकली हम लोग अपनी लाइफ में खुश रहने के लिए करते हैं। यानी कि फॉर एग्जांपल, कल मेरा एंट्रेंस है, आज मैं बहुत सैड हूँ कि बस इसलिए कि कल मेरा जो एंट्रेंस है वो कैसा जाए। यानी कि हम अपने फ्यूचर के लिए अपना प्रेजेंट ख़राब कर रहे हैं, बिल्कुल बर्बाद कर रहे हैं। तो गाइज, आज मैं आपको कुछ ऐसे बेसिक पॉइंट्स बताऊंगा जिन्हें अगर आपने अपनी लाइफ में उतार लिया, जी हाँ, अगर आपने अपनी लाइफ में वो पॉइंट्स उतार ली तो खुशी और शांति आपके हाथों में होगी। सो हमारा फर्स्ट पॉइंट है, बराबरी ना करें। हम में से हर कोई ऐसे इंसान से ज़रूर मिला होगा जो किसी ना किसी बात में हमसे अच्छा हो, हमसे बेहतर हो, चाहे वो खूबसूरती में हो, पढ़ाई लिखाई में हो, या फिर बातों को झट से समझने में हो। इससे हमारा अधिकतर टाइम, अधिकतर समय ऐसे लोगों से चलने में ही चला जाता है, जिसकी वजह से हम अपनी खुद की ज़िंदगी में, खुद की लाइफ में कुछ नहीं कर पाते और अपने दिल को छोटा करके बैठे रह जाते हैं और बहुत ज़्यादा दुखी हो जाते हैं। इसलिए हमें हमेशा अपने पर ध्यान देना चाहिए, ना कि दूसरों पर ध्यान देकर मायूस बैठ जाना चाहिए। अब आते हैं अपने सेकंड पॉइंट पर, जो कि है, पास्ट कैन नॉट डिफाइन योर प्रेजेंट एंड फ्यूचर। आपने अपनी सराउंडिंग में ऐसे कई लोगों को देखा होगा जिनका पास्ट यानी कि बीता हुआ समय बहुत दर्दनाक होता है, जो कि अपने प्रेजेंट टाइम में खुद को रिकवर नहीं कर पाते और बस यही बातें सोचते रहते हैं कि यार सब खत्म हो गया, अब तो मेरी लाइफ में कुछ है ही नहीं, और बहुत निराश हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा दुखी रहने लग जाते हैं। मेरे हिसाब से अगर ऐसा हमारे साथ कुछ होता है तो वो हमारे पास बेस्ट अपॉर्चुनिटी होती है दुनिया को दिखाने के लिए। अगर उस टाइम पर हम खुद को अपने पास से बाहर निकाल लेते हैं और उठकर आगे बढ़कर कुछ ऐसा कर दिखाते हैं जिससे हमारे आसपास के लोगों को हमसे कोई भी उम्मीद नहीं होती, तो सच मानो वो हमारी लाइफ की सबसे बड़ी विक्ट्री होगी। और उस टाइम देखना कितनी खुशी महसूस होगी जब हमने अपने पास से लड़कर अपने प्रेजेंट में कुछ ऐसा करके दिखा दिया जिससे हमारे फ्यूचर और भी ब्राइट हो गया है। अब आते हैं हम अपने थर्ड पॉइंट पर, जो कि है, व्हाट पीपल थिंक अबाउट यू। क्या फैमिली क्या कहेगी, दोस्त क्या कहेंगे, आसपास के मोहल्ले वाले और रिश्तेदार क्या कहेंगे, क्यों आती है ना ये सब बातें माइंड में? करना तो यार हर कोई चाहता है अपनी लाइफ में, सबको पता है बिना किए कुछ नहीं होना, स्टार्ट भी कर देते हैं कुछ लोग को, बट माइंड में यही सब आता रहता है। तो करना क्या है? करना ये है कि अपने माइंड में थिंकिंग ये बनानी है कि लोग जो मर्जी कहें, रिश्तेदार जैसी मर्जी बातें बनाएं, बट मुझे कुछ करना है और लाइफ में आगे बढ़ना है। आसपास के लोगों की चिंता छोड़ दो, उनका तो काम ही है बातें बनाना, बट आपका काम है अपने टारगेट पर काम करना और उसको हासिल करना। हमारा लास्ट एंड फोर्थ पॉइंट है, ओवरथिंकिंग। यार आजकल की भाग दौड़ भरी ज़िंदगी में हर बंदा बहुत ज़्यादा बिजी होता जा रहा है, ज़्यादा काम होने की वजह से बहुत ज़्यादा सोचने लग गया है, और यही ज़्यादा सोचना ना उसके लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहा है। सोचना बुरा तो नहीं है, बट ज़्यादा सोचना बहुत ज़्यादा गलत है। ज़्यादा ओवरथिंकिंग से हमारा अपने ही मन और शरीर पर कंट्रोल नहीं रहता और तरह तरह के नुकसान हमें उठाने पड़ते हैं। लगातार और ज़्यादा सोचने से हमारा दिमाग एक जलती हुई भट्टी की तरह बन जाता है, जो कि खुद भी जलती है और उसको भी जलाती है जो उसके आसपास रहता है। यानी कि ओवरथिंकिंग से व्यक्ति खुद को नुकसान उठाता ही है, साथ साथ उस बंदे को भी उठाना पड़ता है जो उसके आसपास रहता है। इसलिए ज़्यादा सोचने से अच्छा अपने काम में ध्यान लगाना चाहिए और इससे जो नेगेटिविटी बनती है उसको भी हटाना चाहिए।